हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने कहा, क्या वो किसी से नहीं मिलना चाहता है डॉक्टर के अलावा? तो ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तो डॉक्टर जेहूक ने कहा, क्या करना चाहते हो आप? आखिर आप कर क्या रहे हो? आप मेरी यूनिफॉर्म को क्यों ले रहे हो? तियांग ने कहा, शायद तुम भूल गए हो, मैं भी पहले डॉक्टर ही था। जेहूक ने कहा, लेकिन मिस्टर किम नहीं हो सकता है, आप अभी डॉक्टर नहीं रहे, आपने इस पेशे को छोड़कर। तियांग ने जेहूक की कॉलर पकड़ते हुए कहा, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? हाँ, जेहूक ने कहा, तियांग तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, और तुम अभी जंगकुक से नहीं मिल सकते हो। तियांग ने कहा, मैं मिलकर ही रहूँगा, आखिर मैं भी कभी डॉक्टर था और मैं चाहूँ तो अभी भी डॉक्टर बन सकता हो, मुझे कौन रोकेगा। ये कहने के बाद उसने यूनिफॉर्म को पहनकर जंगकुक के पास जाने लगा। जेहूक ने तियांग को रोकने की कोशिश किया, लेकिन तियांग अंदर आ जाते और दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक की सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा क्या? जब मुझे पता चला कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हारे डैड को बचाने के लिए किया था, तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं कि तुम्हें पैसे तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे डैड को बचाने के लिए चाहिए था? मुझे लगा तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी किया है और मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कह दिया, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तुमने मुझे एक भी लफ्ज नहीं कहा। आखिर क्यों तुमने मुझसे कुछ भी नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सोच रहा था वो बहुत ही गलत है, क्योंकि मैं भी तो पैसे के लिए ही माफिया बिजनेसमैन बन गया था एक डॉक्टर से। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान था क्या? डॉक्टर बनना मेरे बचपन से ही सपना था, मैं डॉक्टर बना भी था, लेकिन जब मैंने देखा डॉक्टर बनने के बाद भी मैं वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना था, तब जाकर मैं माफिया बिजनेसमैन बन गया ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। उसके बाद टाइम को पास में लेकर जाने के बाद जनकुक का तियांग की शादी हो रहा था। तियांग ने जनकुक से शादी के लिए पूछा था, जनकुक ने पहली बार मना कर दिया था, लेकिन जब जनकुक को पता चला कि उसके डैड मिस्टर जियोन को कैंसर है, वो मरने वाला है, वो लास्ट स्टेज पर है, अगर इलाज नहीं करवाया जाएगा तो वो बहुत ही जल्द मर जाएगा, जनकुक अपनी डैड को बचाने के लिए तियांग से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। तियांग को लगा शायद जनकुक उसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसको पसंद करता है, लेकिन नहीं, उसने पैसे के लिए शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था। पहले पहले जनकुक तियांग से प्यार नहीं करते थे, उसने सच में पैसे के लिए ही शादी किया था, लेकिन खुद की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए नहीं, अपनी डैड को बचाने के लिए ही उसने तियांग से शादी किया। तियांग ने जब जनकुक से शादी किया, तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे, जनकुक भी बहुत ही खुश लग रहा था। जनकुक वो अपनी डैड को बचा पाएगा। शादी हो जाने के बाद तियांग जब जनकुक के पास जाने ही वाला था, जनकुक वो फोन पर बातें कर रहे थे। तियांग ने सुना कि जनकुक फोन पर बोल रहा था, हाँ मैंने पैसे के लिए ही शादी किया है, आपने सही बोला है, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, पैसे की बहुत जरूरत है मुझे। मैं अपनी इससे पहले कि जनकुक आगे कुछ बोल पाते, तियांग आ जाते हैं, जनकुक चुप हो जाते हैं। तियांग ने पूछा, किससे बातें कर रहे हो? जनकुक कहता है, वो मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा था। तियांग ने कहा, ठीक है चलो ऊपर चलते हैं, जनकुक ने कहा ठीक है। उसके बाद वो तियांग के साथ ऊपर जाने लगा और मन में कहता है, कहीं उन्होंने सुन तो नहीं लिया है ना। तियांग ने कहा, वो क्या बोल रहा था और पैसे की क्या बात कर रहे थे? तियांग ने पूरी तरह से नहीं सुना है, तो तियांग को जनकुक की इस बारे में नहीं पता चला, लेकिन जनकुक बहुत ही डरे हुए से थे, कहीं तियांग को पता तो नहीं चल गया कि उसने पैसे के लिए शादी किया है। वो बहुत ही घबराया हुआ सा था। वो तियांग को कुछ कहता कि तियांग ने जनकुक को अपने गोद में उठा लिया और उसको किस करते बेडरूम में लेकर गए और दरवाजा बंद करते हुए उसको बेड पर लेकर आए और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। जनकुक को ऐसा लगा शायद तियांग उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही रफली इंटीमेट होने वाला है, लेकिन तियांग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बहुत ही जेंटली और बहुत ही प्यार से जनकुक को बहुत सारा प्यार दिया। उसके बाद जनकुक को बाहों में लेकर सो गए। सुबह होने पर जनकुक बहुत ही खुश था क्योंकि उसने तियांग से कह दिया था उसको कुछ पैसे चाहिए। तियांग ने कहा था, ठीक है तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम खर्च कर सकते हो। तियांग को लगा शायद जनकुक अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए उसे पैसे मांगा है, तो तियांग ने जनकुक के हाथ पर कार्ड थमाते हुए कहा, जैसे कि मेरे प्यार की कोई लिमिट नहीं है वैसे ही इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहे खर्च कर सकते हो लेकिन कभी पैसा कम नहीं होगा। जनकुक बहुत ही खुश हो जाता है। तियांग ने शादी की पहली रात में ही जनकुक को वो कार्ड थमा दिया था।
तो सुबह को जनकुक बहुत ही खुश थे, उस कार्ड पर किस करता है। तियांग वो भी उठ जाते हैं और शावर लेने के बाद वो कपड़े पहन रहा था। जनकुक पहले से घर से निकल गया था। तियांग ने जब जनकुक को ढूंढा वो घर पर नहीं थे। जिमिन तियांग से मिलने आ जाते हैं। तियांग ने जिमिन से कहा, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, क्या तुमने जनकुक को देखा है। जिमिन ने कहा, नहीं तो मैंने जनकुक को नहीं देखा है, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो तुम्हारे साथ होना चाहिए। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा है, जनकुक को तो मेरे साथ ही होना चाहिए, लेकिन वो रूम में नहीं था। मुझे लगा वो वॉशरूम में है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं था। उसके बाद मुझे लगा वो कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ पर आ गया होगा, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं है, तो वो जा कहाँ सकता है। जिमिन ने कहा, तियांग उसकी कपड़े यहाँ पर है, शायद उसने यहीं पर आकर कपड़े चेंज किया है। तुमने सही कहा, लेकिन वो कहाँ जा सकता है, क्या वो तुम्हें नहीं बताया है कल रात को कि वे सुबह को वो बाहर जाने वाले हैं। तियांग ने कहा, नहीं उसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताया है। जिमिन ने कहा, तो तुम उसको फ़ोन कर लो। तियांग उसको कॉल करता है, लेकिन जनकुक फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उसके बाद तियांग जब जनकुक घर वापस आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे। जनकुक कहता है, वो मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था। तियांग जनकुक से कहता है, आइंदा जब भी अपने दोस्तों से मिलने जाओगे तो मुझे बोल कर जाना, ऐसे मत चले जाना, मुझे तुम्हारे लिए टेंशन होता है। जनकुक ने कहा, आई एम सॉरी, आइंदा ध्यान रखूंगा ताकि मुझसे ऐसी गलती ना हो। तियांग ने जनकुक को हग किया और उसकी फोरहेड पे किस किया, लेकिन तियांग की फ़ोन पर एक मैसेज आया है कि उसकी कार्ड से बहुत सारे पैसे निकाला गया है। तियांग ने इतनी सारी पैसे की रकम देखकर वो जनकुक को देखते हुए कहा, क्या तुमने मेरी कार्ड यूज़ किया है। जनकुक ने कहा, वो मैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, डर क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें वो कार्ड ऐसे ही नहीं दिया है, पैसे को यूज़ करने के लिए ही दिया है, तुम्हें जितने चाहे पैसे यूज़ कर सकते हो, मैंने ही कहा, तो डरो मत। तुमने क्या किया उन पैसों से, क्या मैं जान सकता हूँ। जनकुक ने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया है। तियांग ने कहा, इतने सारे पैसे से, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा बाहर जाने से पहले मुझे बोल दिया करो। जनकुक ने कहा, ठीक है। तियांग और जनकुक साथ में मिलकर शादी के जो गिफ्ट आया हुआ था वो अनबॉक्सिंग करता है। जनकुक को इतने सारे कीमती गिफ्ट देखकर वो सोचने लगता है, कार्ड से पैसे निकालूंगा, तो तियांग को पता चल जाता है, तो क्या मुझे इन सारी चीज़ों को। उसके बाद तियांग ने कहा, क्या हुआ जनकुक, क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें तोहफा पसंद नहीं आया है, तो ठीक है मैं इसको सर्वेंट को दे देता हूँ। जनकुक ने कहा, नहीं नहीं मुझे बहुत पसंद आया है, मैं इसको रखना चाहूँगा। तियांग ने कहा, जनकुक क्या इन गिफ्ट में से तुम्हें कोई भी ऐसा गिफ्ट पसंद नहीं आया है जो तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल हो। जनकुक ने कहा, तियांग वो मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। तियांग मन में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता ही था कि तुम्हें पसंद आएगा, क्योंकि इसको मैंने खरीदा है तुम्हारे लिए। उसके बाद जनकुक दूसरे ही दिन उन सारी गिफ्ट को सेल करने के बाद उसे जो पैसे मिलता है उन पैसों को हॉस्पिटल में देकर आ जाते हैं। तियांग जैसे जनकुक घर आते हैं कहता है, तुम अब फिर से बाहर गए थे, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं। जनकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुम सो रहे थे इसलिए मैं चला गया, वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था, उसको बहुत ही इमरजेंसी मुझसे मिलना था, वो बहुत ही मुसीबत में थे। तियांग ने कहा, जनकुक तुम्हारे हाथ पर वो वॉच कहाँ है जो कल रात को तुम्हें पसंद आया था। जनकुक ने कहा, वो वॉच, वो मैं। तियांग ने कहा, वो क्या, क्या तुमने उसको खो दिया है। जनकुक ने कहा, वो मुझसे वो खो नहीं गया है, मैंने अपने दोस्त को दे दिया। तियांग ने कहा, क्या तुमने तो कहा था कि तुम्हें वो बहुत पसंद आया, तुमने अपने दोस्त को क्यों दे दिया। जनकुक ने कहा, वो मुसीबत में थे, उसको पैसे की जरूरत है, तो मैंने उसको वो दे दिया है, उसको पसंद आया था वो। तियांग ने कहा, जनकुक सच बताओ क्या बात है। जनकुक ने कहा, तियांग वो। तियांग ने कहा, जनकुक क्या तुमने बस मुझसे शादी इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए, तुमने पैसे के लिए मुझसे शादी किया है क्या। जनकुक तुम्हें अगर इतना ही पैसे चाहिए तुमने मुझसे कह दिया होता, तुम्हें उस वॉच को किसी को देने की क्या जरूरत है, वो वॉच मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था क्योंकि मुझे वो तुम्हारे लिए बहुत पसंद आ गया था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे लगा शायद तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस पैसे से मतलब है। शादी हो जाने के बाद से मैंने देखा है कि तुम बस पैसे के पीछे ही पड़े हो, और सुबह हो जाने पर ही तुम किससे मिलने जाते हो, किससे मिलने जाते हो, कहीं तुम्हारी कोई आशिक तो नहीं है ना। जनकुक ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, जनकुक झूठ मत बोलो, सच बताओ तुम किससे मिलने जाते हो। जनकुक ने कहा, तियांग वो मैं। तियांग ने कहा, जनकुक
तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना? मुझे पता ही था तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, जब तक तुम मुझे ये नहीं कह देते हो कि तुम पैसे से क्या करते हो और किसे मिलने जाते हो, तब तक मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, समझ गए तुम? ऐसे ही एक हफ्ता हो जाता है। जन को घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, जन को खाना भी नहीं खा रहा था अच्छी तरीके से। त्याग ने जन को के लिए सूप बना लिया अपने हाथों से और उसको पिलाने के लिए रूम में लेकर जाने ही लगा था। जन को फोन पर बातें कर रहे थे। मैं बहुत ही मिस कर रहा हूँ, मुझे आना है मिलने, जेहोप ने कहा। जनकुक, तुम मिलने तो आ जाओगे, लेकिन तुम अभी आओगे तो उसको पता चल जाएगा, और उसे तो तुम्हारे डैड के बारे में पता भी नहीं है। अगर तुम आ जाओगे तो उसको पता चल जाएगा। तुम उसको क्यों नहीं कह देते हो तुम्हारे डैड के बारे में? जनकुक ने कहा, मैं नहीं कह सकता हूँ। जेहोप ने कहा, लेकिन क्यों जनकुक, तुम उसको क्यों नहीं कह सकते हो? जनकुक कहता, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं चाहता कि उसको पता चल जाए। जेहोप ने कहा, तुम अपनी डैड से बहुत प्यार करते हो ना? जनकुक कहता, बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। तियांग सुन लेता है। उसके बाद तियांग जैसे बेडरूम में आ जाते हैं। तियांग को लगा जनकुक किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इस उसका तियांग ने जनकुक के साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगा। जनकुक को बहुत ही पेन होने लगा। पहली बार जनकुक को महसूस हुआ कि उसकी शादी किसी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं, माफिया बिजनेसमैन के साथ शादी हुआ है। जनकुक को वो एहसास हो गया था। जनकुक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके बाद त्याग ने चंकू की माथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, तो तुम किसी और से प्यार करते हो? हाँ, तुम मुझसे ये बात नहीं बोल सकते हो ना, लेकिन मुझे पता चल ही गया। तो एवरी डे त्याग चंकू के साथ ऐसे ही उसको टॉर्चर करता रहता है। चंकू को बहुत ही पेन होता है, लेकिन चंकू त्याग को फिर भी नहीं बोलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में है। वो उसको बचाने के लिए इतने सारे पैसे खर्च किया था और उसको इसलिए पैसे चाहिए, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए नहीं। जनकुक ये सब कुछ मुंह बंद करके सह रहा था। एक दिन तियांग ने जनकुक को कहा, तुम फिर भी नहीं सुधरोगे ना, तुम फिर से मुझे बिना बताए बाहर गए थे, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम ऐसे ही मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ रिश्ता नहीं बना सकते हो। अगर ऐसा ही करना है तुम्हें तो मेरे घर से निकल जाओ। उसके बाद जनकुक को घर से निकाल देता है जिमिन। दो दिन बाद जैसे घर आते हैं उसको पता चला कि तियांग ने जनकुक को घर से बाहर निकाल दिया। जिमिन ने कहा, तियांग तुमने क्या किया है? तुमने जैसे ही मुझे बताया है जनकुक के बारे में पता लगाने के लिए, मैंने पता कर लिया है। तियांग ने कहा, क्या तुमने क्या पता कर लिया है? जिमिन ने कहा, तियांग जनकुक के डैड जिंदा है, वो हॉस्पिटल में है, उनकी कैंसर है, वो लास्ट स्टेज पर है, बहुत सारे पैसे चाहिए इलाज करवाने के लिए, उनकी बचने की चांस बहुत ही कम है, लेकिन जनकुक उनको बचाने के लिए कुछ भी करना चाहता है, और उसने शादी इसीलिए किया है ताकि वो तुमसे पैसे लेकर अपनी डैड की इलाज करवा सके, लेकिन वो तुम्हें क्यों नहीं बताया मुझे नहीं पता। इतना मैं जानता हूँ, मिस्टर जोन ने ही शायद जनकुक को मना किया है तुम्हें बताने के लिए कि वो जिंदा है, क्योंकि वो मरने वाले हैं उनको लगता है। तुम्हें इसको बताने की क्या जरूरत है? वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है, लेकिन जनकुक फिर भी हार नहीं मानना चाहता है। उसने उनको बचाने के लिए कुछ भी किया, उसने एक अभी नहीं कहा कि पैसे उसकी जरूरत के लिए नहीं लिया है, वो अपनी डैड की इलाज के लिए लिया है। तियांग, तुम्हें जनकुक को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? तो फिर प्रेजेंट में आने के बाद जनकुक को जब तियांग ने घर से बाहर निकाल दिया था, तब जनकुक घर से बाहर जाने के बाद उसको पता चला कि उसकी डैड की मौत हो चुका है। बाहर जाने के बाद ही जब जनकुक को ये पता चला, जनकुक बुरी तरह से टूट गया था। वो मरने के लिए किसी कार के सामने चला गया था, लेकिन जिस कार के सामने के लिए वो मरने गया था उस कार को चला रहा था चा योनो, और चा योनो ने जनकुक की जान बचा लिया। जनकुक को हॉस्पिटल लेकर गए, उसके बाद उसको पता चला कि जनकुक प्रेग्नेंट है। उसकी ध्यान रखा और ऐसे ही देखते ही देखते जनकुक ने इस बच्चे को जन्म दिया, और वो अब 2 साल का हो चुका है। अब जनकुक बहुत ही बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज है। जनकुक के होश आने के बाद जनकुक ने जब योनो से कहा था कि वो मरना चाहता है क्यों, तो योनो उसको लेकर बहुत दूर चला गया था। योनो जनकुक को पसंद करने लग गया था, लेकिन जनकुक ने कभी योनो से शादी करना नहीं चाहा। अब जनकुक बीमार है तो चाय योनो को लगा कि तियांग को खबर कर देना चाहिए कि उसके हस्बैंड जो है वो बीमार है, तो चाय योनो ने ही तियांग को बता दिया। तियांग को जब पता चला कि जनकुक वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो जिहुब के हॉस्पिटल में है जहाँ पर उसकी डैड रहता था, तियांग हॉस्पिटल में आ गए। जेहोप ने उसको मिलने से मना कर दिया, लेकिन तियांग कहा हार मानने वाला है, वो जनकुक से मिलकर ही रहेगा। तो अब तियांग जनकुक के सामने डॉक्टर बनकर बैठा हुआ है।
तीन साल बाद तियांग जंगको को देख रहा है। तियांग की आंखों में आंसू था। तियांग ने जंगको से कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार ढूंढा है लेकिन मैं तुम्हें क्यों नहीं मिल पाया, तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ पाया। मैं कितना नाकाम इंसान होना, एक माफिया बनने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। आखिर तुम कहाँ चले गए थे, क्या तुम मुझसे दूर भाग रहे थे? तुम्हें नहीं पता है क्या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुमने मुझसे तीन साल तक दूर कैसे रह लिया? जनकुक, आई रियली लव यू, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग को अभी भी ये नहीं पता है कि जनकुक की एक बच्चा भी है, वो 2 साल का हो चुका है। जैसे ही वो बच्चा रोने लगा, वो जनकुक से मिलना चाहता है। ये उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर अंदर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? योनो कहता है, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तियांग ने कहा, क्या तुम योनो हो? योनो कहता, हाँ मैं ही योनो हूँ और मैंने ही 3 साल तक जनकुक की ध्यान रखा है, लेकिन कभी उसने मुझसे प्यार नहीं किया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहता हूँ, अगर तुमने उसको खुश नहीं रखा तो मैं वापस से जनकुक को लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा। तियांग ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने उसको ध्यान रखा है, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगर तुम नहीं होते मैं जनकुक को ढूंढ लेता, तुमने उसको बहुत दूर लेकर चला गया था इसलिए मैंने कभी उसको ढूंढ नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें वो मौका नहीं दूंगा। तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जनकुक को नहीं देखना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने 3 साल तक जो भी किया है उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम उसके आसपास भी नहीं रहोगे। इन्होंने कहता है, तियांग मुझे पता चल गया है तुम उससे कितना प्यार करते हो, क्या तुम इसको जानते हो? तियांग ने यूनो की कॉलर पकड़ते हुए कहा, तूने मेरी जनकुक के साथ क्या किया है बता मुझे, क्या तूने उसकी यूज़ किया है? यूनो ने कहा, तियांग तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारी सन है। मैंने कभी जनकुक को बुरी नज़र से देखा भी नहीं, उसको टच करना तो दूर की बात है, मैं भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करते हो। तियांग ने यूनो को धकेलते हुए कहा, मैं उसे जितना प्यार करता हूँ उतना प्यार कोई नहीं कर पाएगा। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, लेकिन वो कभी मुझसे और दूर नहीं जाएगा और ना ही मैं जाने दूंगा। तुम उसके करीब कभी नहीं आ पाओगे और मेरी जितना प्यार भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। ये उन्होंने कहता है, अगर इतना ही प्यार करते ना तो कभी जनकुक को घर से बाहर निकलता ही नहीं तुम। तियांग ने कहा, क्योंकि मुझसे गलती हो गया था और गलती इंसान से ही होते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा शायद जनकुक किसी और से प्यार करता है तो इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया था। आई एम रियली सॉरी जनकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जनकुक के पास अपनी सन को लेटा तो है कहा। देखो तुमने क्या किया है, 2 साल तक मुझे उससे दूर रखा है और तुम मुझसे 3 साल तक दूर भागते रहे। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं डैड बन चुका हूँ। जनकुक उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हें हम दोनों के लिए जीना होगा। आफ्टर 1 वीक जनकुक को तियांग घर लेकर आ गया है। जनकुक पहले से बहुत बेहतर है। तियांग ने जनकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, माय लव मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जनकुक तियांग से कहता है, प्लीज़ तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मुझसे भी गलती हुआ था, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन डैड ने मुझसे मना किया था तुम्हें बताने के लिए कि डैड जिंदा है। मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, मैंने नहीं बताया तुमसे, तुमसे छुपाया, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने कहा, माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, अभी तो हम दोनों को कुछ और ही कहना चाहिए। जनकुक, आई रियली लव यू, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? देखो जनकुक मना मत करना, मैं हाँ ही सुनना चाहता हूँ। जनकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे फिर से जरूर शादी करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। उसके बाद तियांग जनकुक के लिप पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही डीपली किस कर रहा था। तियांग और जनकुक के सन जो है अर्नब, वो रोने लगता है। तियांग दौड़कर आ जाता है, उसको गोद में लेकर जनकुक के पास लेकर जाता है और कहता है, वो रो क्यों रहा है? जनकुक ने कहा, तियांग उसने कभी तुम्हें पहले देखा नहीं है ना, और वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, तो उसने जब तुम्हें मेरे करीब देखा शायद उसको बुरा लगा होगा। तियांग ने कहा, तो ये बात है तो उसको समझाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। उसके बाद तियांग फिर से जनकुक की लिप पर किस करने लगा और अर्नब फिर से रोने लगे। तो तियांग जनकुक से अलग होकर कहता है, तुम उसको समझाते क्यों नहीं हो कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। जनकुक ने अर्नब को गोद में लेते हुए कहा, तुम रो क्यों रहे हो? वो तुम्हारी डैड है, देखो वो कितना हैंडसम है ना, और वो उससे बातें कर रहे थे। जनकुक मुस्कुरा रहे थे, बच्चा भी खुश लग रहा था। तियांग जनकुक और बच्चे को खुश देखकर
वो उन दोनों को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया है, मैं तुम दोनों को मुझसे कभी दूर नहीं होने दूंगा। टाइम को आगे बढ़ाते हुए तियांगा जंगुंग ने फिर से शादी कर लिया और आप दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे और अर्ना भी बहुत ही खुश लग रहा था। वो तियांग के गोद में था। जंगुंग और तियांग एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। तो गाइस यहीं पर ही दियन करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।